तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयातो। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सियावर राम चंद्रपति जय शरणम, शंकर हरि ओम, जय जय सीताराम। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। बरस चारि दस बासु बन मुनिव्रत वेशु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी गुहै भयउ दुख भारु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री राम कहने लगे, महाराज दशरथ की आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है, गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर निषाद राज गुह को बड़ा भारी दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं से प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूं सखी कैसे, दिन पठे बन बालक ऐसे। प्रभु श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के रूप को देख देख कर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे कठोर हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को ऐसे भयानक वन में भेज दिया है। एक कही भले भूपति की न, नोयन लाहु हमी विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसु पा मनोहर जाना। फिर कोई एक कहती है, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें स्त्री ब्रह्मा जी ने नेत्रों का लाभ दे दिया, प्रभु के दर्शन करवा दिए। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर स्थान समझा। ले रघुनाथ ठाऊ दिखावा, कहो राम सब भाति सुहावा। पुरजन करी जो हारु घर आए, रघुवर संध्या करण सिधाए। तब उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखलाया। श्री राम जी ने वह स्थान देखकर कहा कि यह तो सब प्रकार से बहुत ही सुंदर है। पूर्वासी लोग वंदना करके अपने अपने घरों को लौट गए और श्री राम जी संध्या करने पधारे। गुह सवारी साथ हरी डसाई, कुछ किस लय में मृदुल सुहाई। सूची फल फूल मधुर मृद जानी, दोना भरी भरी राखी सिपानी। और इसी बीच निषाद राज गुह ने कुश और कोमल पत्तों की सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। श्री राम जय जय राम दोहा। सिया सुमंत्र भ्राता सहिते कंद मूल फल खाई, सयन की निरघुवंश मनी पाए पलोटत भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए और भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनऊ प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदबानी। कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी भी रासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते हुए जानकर श्री लक्ष्मण जी उठे
और कोमल वाणी से मंत्री श्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन में बैठकर जागने लगे, अर्थात पहरा देने लगे। गुह बोलाई पाहरो प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपु लखन पही बैठे हूं जाई, कटी भाती सर चाप चढ़ाई। उधर गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर श्री लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठ गया। सोवत प्रभु ही निहारी निसादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बैही, वचन से प्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित तो हो गया, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदनु ने पट तर पावा। मनी में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। श्री राम जय जय राम। दोहा। सुचि सुबिचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुभास। पलंग मंजुमनि दीप जह, सब विधि सकल सुपास। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहां सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, छीर फेन मृदु विशद सुहाई। तयसिय रामु सयन निशिकर ही, निज छबि रति मनोज मधुहर ही। जहां पर ओढ़ने बिछाने के अनेकों तरह के वस्त्र तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्जवल और सुंदर है। वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को भी हरण करते थे। तेसिये रामु साथ री सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोहे। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सो रहे हैं। ऐसी दशा वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी, मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां। जोग वही जिन्ही प्राण की नाई, महिसोवत तेही राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। श्री सीता जी जिनके पिता श्री जनक जी हैं, जिनका प्रभाव सारे जगत में प्रसिद्ध है। श्री सीता जी जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। राम चंदुपति सोवे देही, सोवत मही विधि बामन के ही। सिय रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोग। वही श्री सीता जी जिनके पति श्री रामचंद्र जी हैं, आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता, सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन जाने के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। श्री राम जय जय राम। दोहा। कह कई नंदनी मंद मती, कठिन कुटिल पनुकीन। जही रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम।
भक्त श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, निषाद राजगुह सोता है, कह कई राज की लड़की नीच बुद्धि के कई ने बड़ी ही कुटिलता की है, जिसने रघुनंदन श्री राम जी और श्री जानकी जी को सुख के समय बड़ा भारी दुख दे दिया है। श्री राम जय जय राम। भक्तों आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे श्याम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज।